हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम टॉप विथ सर्कुलर स्लिप का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यह पार्ट वन वीडियो है जिसमें हम टॉप का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल स्टिच होम को सब्सक्राइब भी जरूर करें। टॉप का कटिंग हम इस मेजरमेंट के अनुसार करेंगे। शोल्डर 14 इंच, आर्म होल 7 इंच, फुल बस्ट 34, वेस्ट 28, हेमिंग लाइन 38, टॉप का लेंथ 24 इंच, बैक नेक डीपनेस 1.5 इंच और फ्रंट नेक डीपनेस 7.5 इंच रखेंगे। यह मेरा रेयन फैब्रिक है जिसे कि हम टॉप बनाएंगे, जिसका की चौड़ाई 44 इंच है। सबसे पहले फैब्रिक को खोलकर उसे सेंटर से फोल्ड करके डबल लेयर में सेट करें। उसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करके 4 लेयर में सेट करेंगे। 4 लेयर में सेट करने के बाद इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हिप राउंड का चौथा भाग और उसमें 1.5 इंच ऐड करके रखें। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे, इससे हमारा ऊपर का जो भी तिरछा फैब्रिक होगा वो बाहर चला जाएगा। अब इस लाइन से हम इस टॉप का लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। इस लाइन से नीचे की ओर आप टॉप का जितना लेंथ रखना चाहते हो उसमें 2 इंच ऐड करके मार्क करें। यहाँ पर मैं टॉप का लेंथ 24 इंच रख रही हूँ तो 26 इंच पर मार्क कर रही हूँ। सेम मार्किंग इस साइड भी कर लेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लें। अब इस लाइन पर शोल्डर का मेजरमेंट लें। आपका जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ लेकर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट से नीचे की ओर 1/2 इंच पर मार्क कर लें शोल्डर डाउन करने के लिए, और इस पॉइंट से नीचे की ओर शोल्डर का हाफ पर आर्म होल के लिए यहाँ पर मेजरमेंट लें। जैसे शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है तो आर्म होल इस पॉइंट से नीचे की ओर 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हमारा फुल चेस्ट 34 इंच है तो उसका चौथा भाग लेकर उसमें 1/4 इंच लूजिंग रखेंगे और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए रखेंगे। अब इन पॉइंट्स पर सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन से तिरछा मिलाकर बैक आर्म होल का शेप देंगे और यहाँ से थोड़ा 1/2 इंच अंदर तिरछी लाइन बनाते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हुआ और ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हुआ। यहाँ पर शोल्डर से नीचे की ओर 15 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट लेंथ के लिए। अब यहाँ वेस्ट लेंथ पर वेस्ट राउंड का चौथा भाग लेकर उसमें 1/2 इंच लूजिंग रखेंगे और 1.5 इंच रखेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। हेमिंग लाइन पर हिप राउंड का चौथा भाग लें और वहाँ 1/2 इंच लूजिंग रखें और 1 इंच लें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब चेस्ट, वेस्ट और हेमिंग लाइन वाले पॉइंट्स को मिला लेंगे और उसके बाद स्टिचिंग मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी लाइन बनाकर ज्वाइन करें। नेक का विथ यानी कि चौड़ाई के लिए 3 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। नेक का कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करते हुए यहाँ पर थोड़ा गोलाई में शेप देंगे। अब इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर सीधी लाइन पर से कट करेंगे। यहाँ पर हमने जो 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है उसे नेक वाले पॉइंट से तिरछी लाइन द्वारा मिला लेंगे। अब इसे हम बैक पैनल के अनुसार कट कर लेंगे। अब दोनों पैनल को सेपरेट करें और फ्रंट पैनल का आर्म होल का कटिंग कंप्लीट करें। यहाँ पर मैं फ्रंट पैनल का नेक का कटिंग नहीं कर रही हूँ, उसे हम पेस्टिंग पेपर पर कट करके बनाएंगे। अब बैक नेक के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करें। अब इसे 3 इंच वाले पॉइंट से गोलाई में मिलाते हुए बैक नेक का कटिंग कंप्लीट करें। अब फ्रंट एंड बैक पैनल का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पैनल का पेस्टिंग पेपर पर नेक का कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं भी नेक बना रही हूँ, सो पेस्टिंग पेपर को भी नेक बनाने के लिए डबल लेयर में सेट करें। यह पेस्टिंग पेपर का खुला भाग है और इस साइड पेस्टिंग पेपर का बंद भाग है। नेक विड्थ के लिए यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और वी नेक के लिए यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को लाइन बनाकर मिला लेंगे और यहाँ 1/2 इंच पर मार्क करते हुए वी नेक का शेप देंगे। अब इस मार्किंग लाइन से बाहर की ओर 1 इंच पर मार्क करेंगे। इन पॉइंट्स को भी लाइन बनाकर ज्वाइन करें। अब नेक का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे हम कपड़े पर आयरन के द्वारा पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे आयरन के द्वारा पेस्ट कर लिया है। अब बाहर से 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन रखते हुए इसके चारों तरफ से कट कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ का मार्जिन वाले फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से रख कर स्टिच कर लें।
यहाँ पर मैंने मार्जिन वाले फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर पर रखकर स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया है। अब इसे हम नेक राउंड से अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए फ्रंट पैनल को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पर सेंटर में एक नोच लगाएं और यहाँ नीचे इसके सेंटर पॉइंट पर चौक से मार्क कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर का सेंटर पॉइंट और फ्रंट पैनल का सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाकर रखेंगे और इसे पिनअप के द्वारा सेट कर लेंगे और उसके बाद इसे पहले सामने से एक स्टिच करेंगे और उसके बाद नेक राउंड के चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करने के बाद एक बुट भर फैब्रिक छोड़कर बाकी फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएंगे। टेस्टिंग पेपर को टर्न करके रॉन्ग साइड पर कर लें और फ्रंट पार्ट पर से इसे आयरन के द्वारा सेट करेंगे और पेस्टिंग पेपर को आप चाहें तो यहाँ पर स्टिचिंग के द्वारा भी फिनिशिंग दे सकते हैं, नहीं तो हाथ से बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब हम बैक पैनल का नेक का स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने यह उरेव स्ट्रिप लिया है। अब उरेव स्ट्रिप को नेक राउंड से मिलाते हुए रखेंगे और थोड़ा मार्जिन भर स्पेस लेते हुए नेक राउंड से होते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब उरेव स्ट्रिप को अंदर के साइड टर्न करें और इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट एंड बैक पैनल को शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। उसके लिए फ्रंट पैनल और बैक पैनल को आपस में मिला के रखेंगे और बैक पैनल का उरेव स्ट्रिप को टर्न करके फ्रंट पैनल पर लाकर शोल्डर से हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सेम तरीके से दूसरे शोल्डर का भी स्टिचिंग कम्प्लीट कर लेंगे। यहाँ हमने दोनों शोल्डर का स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से शोल्डर की फिनिशिंग कितनी अच्छे से आया है। अब टॉप का साइड का स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ हमने जो 1.5 इंच का साइड का स्टिचिंग लिया है उससे होते हुए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ चेस्ट पॉइंट से नीचे हेमिंग लाइन तक इसे स्टिच करेंगे। दूसरे साइड का भी इसी तरह से स्टिचिंग कंप्लीट करके हम इसके बॉटम राउंड का स्टिचिंग करेंगे। हेमिंग लाइन पर डबल फोल्ड करके इसके हेमिंग लाइन का स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब टॉप का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में सर्कुलर स्लिप का ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करके इस टॉप से अटैच करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है और मेरे चैनल स्टिच होम को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।